ये सुमसी में आप तमाम का मैं स्वागत करता हूं उसके मेटे और मधुर नाम में प्रिया जी जो धन्यवादी हैं कि उसने आज फिर से मुझे और आपको यह सौभाग्य दिया कि उसके पाक और पवित्र वचनों का साझा करें जिसके द्वारा मेरी और आपका जो जीवन है जिंदगी बदल जाए आखिरकार मैं और आप इस दुनिया में जी रहे हैं सुबह होती और शाम होती है और मैं और आप अपने में ही व्यस्त रहते हैं तो क्या जिंदगी इसी का नाम है या जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आती है आज का जो मेरा शरमन का विषय है दया से भरा हुआ हृदय दया से भरा हुआ दिल आखिर ऐसा मनुष्य है इस पृथ्वी के ऊपर जिसका दिल दया से भरा है करुणा से भरा है जो बार बार दोहाई दे रहा है कह रहा है कि हे मेरे प्रिय पुत्र हे मेरी प्रिय बेटी प्लीज लौट कर मेरे पास आ जा मैं तुझे जीवन का मुकुट देना चाहता हूं मैं तुझे एक नई जिंदगी देना चाहता हूं और मैं और आप किस राह पर चल रहे हैं मुझे खुद को नहीं मालूम है जब मुझे खुद को नहीं मालूम है तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूं कि यह मार्ग बहुत अच्छा है यह मार्ग अच्छा नहीं है इसलिए प्रभु का दिल जो है वो पिघल गया है उसका हृदय दया से भरा है किसके मेरे और आपके लिए है पूरी दुनिया के लिए उसका दिल जो है वो पिघल चुका है और वो क्या कह रहा है आइए मेरे साथ में निकालिए मिका की पुस्तक उसका छह अध्याय और उसकी तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे लिखा यहां पर हे मेरी पिर्जा मैंने तेरे तेरा क्या बिगाड़ा है खुदावंद यीशु सुसी आज मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है हे मेरी पिर्जा हे मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियों मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है क्यों खुदावंद यीशु सुमसी ऐसी बातों को दिल से टूट गया और ऐसी बातें बयां कर रहा है अपने वचन के द्वारा आइए आगे, आगे देखते हैं क्या लिखा है लिखा है आगे क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है आखिर तुम मुझसे क्यों रूठ गया है मैंने तेरे प्रति ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया है मैंने ऐसे कौन से तेरे दिल को ठेस पहुंचा दी है जिसके चलते तुम तो मुझसे रोट करके चला गया है प्रिया जी जो आखिर हम खुदाबंद यीशु मसीह से कब रूठ जाते हैं कब हम नाराज हो जाते हैं जब हमारी अभिलाषा जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं और जब हम जो चाहते हैं जब वो पूरा नहीं होता है तो हम खुदावंत से जो है मुंह मोड़ लेते हैं एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका जीवन जो है वो कांटों से उलझा हुआ है और वो आकर के खुदा से बात करता है पासवान से बात करता है जो खुदा का चुनाव नियुक्त दास है और कहता है कि मेरे घर में जो है ये परेशानियां हैं मैं चाहता हूं कि आप दुआ कीजिए मेरे घर की परेशानियां मेरे घर की मुश्किलते सॉल्व हो जाएं और खुदा के दास ने जो है खुदा की दुआई दी और खुदा ने अपना हाथ बढ़ा दिया उसके ऊपर और वो बहुत अमीर हो गया है और जब अपनी अमीरात में बढ़ता चला गया एक वक्त आता जब वो पासवान उसके दरवाजे पर नौक करता है और कहता है कि मैं उन साहब से मिलना चाहता हूं जानते हो उसे क्या आंसर मिलता है अंदर से मैं इस शख्स को नहीं पहचानता हूं उसी घड़ी उसी वक्त से जो है उसके ऊपर बढ़ता हुआ जो एक पैमाना था वो नीचे नीचे आना शुरू हो गया प्रिया जी जो क्योंकि खुदावंद कहता है मैं तुझे उठाना भी जानता हूं और तुझे गिराना भी जानता हूं इसलिए खुदावंद का दिल हृदय से भरा हुआ है और वो इस बात को बया कर रहा है हे मेरे प्रिय ऐसा मैंने तेरे विरुद्ध कौन सा गलत कार्य कर दिया तुझे भूख लगे तो मैंने तुझे खाना मुहैया कराया तुझे प्यास लगी तो मैंने तेरे लिए पानी का इंतजाम किया तुझे वस्त्र की आवश्यकता हुई तो मैंने तुझे वस्त्र दिए यहां तक कि तुझे धूप लगी तो मैं खुद स्वयं तेरे लिए छाया बन गया और आज तुम उससे रोट करके चला गया है आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है लिखा है यहां पर चौथी वर्ष में मेरे विरुद्ध साक्षी दे मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया और दासतव के घर से मैं तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा और हारून और मरियम को भेजा किसको भेजा मैंने मूसा को हारून को मरियम को भेजा ताकि तू उस गुलामी से निकल करके आ जाए जहां तू दास था प्रिया जी जो यहां पर किसके बारे में बातचीत हो रही है इसराइलियों के बारे में खुदा कह रहा है आखिर तू मुझसे क्यों इतना रूठ गया है मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया मैंने ये कहा बड़े गर्व के साथ में इज़राइली मेरे पुत्र है इज़राइल ही मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरे दिल के बहुत करीब है सो गुना किए परमेश्वर से रूठ गए गलत मार्ग पर चले गए ठुकरा दिया लेकिन प्रभु ने कहा तू मेरे दिल के करीब है तू मेरा प्रिय पुत्र है ऐसा मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया क्या मैं तुझे छुड़ा करके नहीं लाया क्या मैंने मूसा को? क्या मैंने हारोन को क्या मैंने मरियम को तेरे विरुद्ध खड़ा ना किया? आज मेरे नाम की साक्षी देने से मेरे नाम की गवाही देने से कतरा रहा प्रिय अजीजो मैं आपको फिर से आज उस बीते वर्ष में लेकर के जाना चाहता हूं जहां आप पर मैं घर के अंदर ताले में बंद हो गए थे और हम अपने पड़ोसी के को भी अगर देखते थे दरवाजे के कुंडी ऐसे करके देखते थे आखिर क्यों क्योंकि वो दुनिया भी भय मेरे ऊपर छा गया था हम तमाम के ऊपर वो खौफ आ गया था कहीं वो बीमारी मुझे ना लग जाए शुक्रगुजार हैं उस खुदा के शुक्र मानिए उस परमेश्वर के जिसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी दया के द्वारा मुझे और आपको उस बेपत्ती से निकाला आज खुदा कहता है इसराइल वासियों से तुम मुझसे रोट गए हो आज खुदा यीशु मसीह, वही बात अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे और आप से भी कह रहा है आखिर क्या हो गया जो आप मुझसे रोट करके चले गए मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो आप मुझसे नाराज हैं अपनी दुनिया ही उलझनों में उलझे रहते हो आज इतना भी वक्त नहीं है कि मुझे दो मिनट दे सको रुक करके मेरी तरफ देखो जो खाना कपड़ा रोटी मकान मुहैया कराता है ये किसका फजल है ये खुदा यीशु मसीह का फजल है प्रिया जी जो खुदा बंदी मसीह का कि उसने एक अच्छी जिंदगी मुझे और आपको बख्शी है इसलिए खुदा कह रहा है वो समय बहुत नजदीक है वो समय आप पहुंचा है जब खुदाबंद का वो भयानक बड़ा ही डरावना दिन आने वाला है, और और जब मैं और आप अपनी छातियां पीट करके रोएंगे और ये कहेंगे कहे पहाड़ों, हम पर गिर पड़ो आज हमारा मुंह गुनाह से इतना भर गया है कि हम किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहे प्रिया जी इससे पहले कि वो वक्त आए आइए आइए अपने मनों को धोइए अपने मनों को फेरिए अपने दिल को खुदा के पाक रूही पवित्र वचन से जो है धो लीजिए जैसे खुदा इसराइलियों से अर्ज कर रहा है उनसे दोहाई दे रहा है आज मुझसे और आपसे भी खुदा का वचन दोहाई दे रहा है प्रिया जी जो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है लिखा है आगे बड़े साफ लफ्जों में पांचवी वर्ष में हे मेरी स्मरण कर कि मैं मुआफ के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और के पुत्र विलाम ने उसको क्या दी और सेतेम से, से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर जिससे तू योबा के धर्म के काम समझ सके खुदावंत का बचन कहता है कि इन लोगों ने इन राजाओं ने ऐसा क्या किया था जो आप इनकी तरफ मुड़ते चले गए एक सपना तो दिखाया था क्या सपना साकार हुआ था प्रिया जी जो हर सपना उस काली भरी जो रात होती है अंधकार से भरी उस रात के समान होता है कि जब मैं बिस्तर पर सोता हूं तो मुझे होश आबास नहीं रहता है कि मैं सुबह का भोर देखूंगा या नहीं देखूंगा लेकिन धन्य है खुदावन के उन फरिश्तों के खुदावन के उस दयालु हृदय के उसकी उस करुणा के जो पूरी रात मेरे और आपके बिस्तर के चारों तरफ उसके फरिश्ते देते हैं और जब भोर होती है जब चिड़ियों का चौंकाना होता है खुदा हमारे दिल और दिमाग को हमारे इस दिमाग को ऐसा झंझोड़ता है कि बड़ी खुशी के साथ हमें उठा देता है ये कौन है ये खुदा का अनुग्रह है ये खुदा का फजल है प्रिया जी जो मेरे और आपके ऊपर और खुदा का हृदय बार बार मुझे और आपको झंझोड़ रहा है हे मेरे प्रिय हे मेरे प्रिय भाइयों उठ जाओ और जागो जागो वरना तो समय जब हाथ से निकल जाएगा तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं बच सकता अभी भी समय है समल जाओ वो गाना अक्सर गाते हैं आज नहीं गाते जो कुछ है करना अभी भी कर ले दिन की ज्योति में दिन की ज्योति में प्रिया जी जो आज जो भी कुछ करना है खुदा के फजल में उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ अन्यथा, अन्यथा, खुदा कहता है कि जब मेरा हृदय गुस्से से भर जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है तुझे पहचानने से इंकार कर देगा आज समय है आइए आगे पढ़ते हैं आगे लिखा इस प्रकार से जब इंसान समझ लेता और जान लेता है आखिर मैं क्या करूं कोई रास्ता नहीं बचा है आके देखते हैं कि प्रभु ये क्या, है। में है, मैं क्या लेकर के अब को इतना पछतावा अपने ऊपर इतने गिलाने होने लगी इतनी लज्जा और शर्मिंदगी होने लगी तो वो कहने लगा कि मैं क्या लेकर के जाऊं खुदाबन मेरे हाथ गुनाह से भरे हुए हैं मेरा दिल और दिमाग जो है वो अपवित्र हो चुका है अशुद्ध हो चुका है अब मैं कैसे अब मैं कैसे तेरी चौखट को छू मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की देवड़ी को छू सकूं मैं तो नापाक हो चुका हूँ लेकिन प्रिया जी जो खुदा का वचन क्या कहता है आगे देखिए इजराइलियों के लिए नहीं बल्कि आज मेरे और आपके लिए है ये बात आइए और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं क्या मैं होम बली के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्म आऊं कितनी अच्छी बात यहां पर है क्या मुझे कोई बैल लेकर के जाना पड़ेगा ताकि जिससे मेरे गुनाह धुल जाएं मेरे पाप धुल जाएं क्या मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी क्या मुझे किसी का लहू बहाना पड़ेगा ना ना खुदाबंद यीशु मसीह किसी का लहू बहाना नहीं चाहते हैं उसने तो स्वयं अपना लहू पूरी दुनिया के लिए बहा दिया जहां हमारा लहू बहाया जाना था जहां हमारी कुर्बानी होनी थी उसने तो हमारे बदले खुद की कुर्बानी दे दी कितनी शर्मिंदगी की बात है प्रिया जी जो खुदाबंद यीशु मसीह ने वो सच्चा परमेश्वर वो पिता हमसे कितनी मोहब्बत करता है हमसे कितना प्यार करता है सुसमाचार उसके तीन बाप पर उसकी सोलवी वर्ष में क्या लिखा है हम तमाम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इस जहां से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की और उसने अपने इकलौते को हलाक कर दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए अनंत जीवन पाए बल्कि हलाक ना हो उसने स्वयं की कुर्बानी दे दी और आज हम कहते हैं कि प्रभु मैं क्या लेकर के तेरे पास जाऊं कोई कुर्बानी चढ़ाऊ तुझे क्योंकि मेरे गुना पाप से भर गए हैं ना ना प्रिया जी जो आइए खुदावन क्या कहता है आगे आगे देखते हैं निकालिए मेरे साथ में आठवीं वर्ष क्या कहती है यहां पर हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है हे नादान मनुष्य हे नादान प्राणी हे ना समझ मनुष्य वो तुझे बता चुका है क्या बेहतर है और क्या अच्छा है यहाँ पर देखिए क्या है और यह बात तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है वो और कुछ नहीं चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है देखिए लिखा है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले आमीन खुदावंत का वचन कहता है नम्रता से चल कृपा रख और जब तू ऐसा करेगा तो तू ये किसी कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है तुझे किसी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रिय अजीजो खुदावंद का वचन कहता है कि आइए हम अपने खुदा की ओर मुड़ें खुदा की ओर फिरें ताकि मेरा और आपका जीवन बदल जाए ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का हृदय जो है वो दया से भर चुका है हम तमाम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब इस इंसानी रूप में आए थे लोगों ने उनके मुंह पर थूका था लोगों ने उन पर ताना कसा था अगर यश नबी की पुस्तक उसका तरेपन अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बड़े साफ लफ्जों से लिखा है प्रिया जी जो उसने कांटो भरा ताज पहना था लोगों ने उसके जोते उनतालीस कोड़े मारे थे बड़ी यातनाएं और तारनाएं उस पर पड़ी थी और जब क्रूस पर उसको लटका दिया था क्या तब भी उसको गुस्सा आया था ना उसने क्या कहा सर उठाकर हे पिता तू इन्हें क्षमा कर हे मेरे पिता तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये नादान हैं ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं प्रिया जी जो आज हम इस नादानी में ना रहें हम इस दुनिया में गुमराह ना हों जो हमें एक गलत मोड़ पर ले के जाती है एक गलत रास्ते पर ले के जाती है प्रिय भाई और बहनों खुदाबंद का वचन कहता है अगर आप जाएँ तो प्रकाशित वाक्य उसके बाईस अध्याय की अगर पाँच मियाद में पढ़ें तो वहाँ पर बड़े साफ लफ्ज़ों में खुदाबंद यीशु मसीह ने बताया है आइए क्या लिखा है वहाँ पर पढ़ते हैं बाईस का पाँच उसमें लिखा है बड़ा अच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण और बेहतर उन्नत है लिखा है जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य और सत्य है आमीन प्रभु स्वयं अपने दास या उन्ना से कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसके बाईस बाप की पांचवी आयत में कि लिख दे परमेश्वर का वचन सत्य है विश्वास योग्य है कैसा है विश्वास करने योग्य है प्रिया जी जो और खुदा ने जो लिखा है अपने वचन में अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बिल्कुल सही लिखा है एक भी उसमें झूठ और कपट नहीं पाया जाता है फिर ये भाई और बहनों खुदा का हृदय जो है आज पिघल गया है खुदा ने कुर्बानी दी खुदा ने बलिदान दिया अपने स्वयं का आज मैं और आप किसी को जरूरत पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर एक बोतल खून देने के लिए हम हजार बार सोचते हैं क्या मैं दूं या नहीं दूं हम उसके सकारात्मक और नकारात्मक में उलझ जाते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसने मेरे साथ वैसा किया था मैं नहीं देने वाला क्या खुदा ने कभी ऐसा सोचा कि इन्होंने मुझे क्रूज पर चढ़ाया है इन्होंने मेरे पेट में भाला माला है इन्होंने मेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया है पानी की जगह मुझे सिरका पिलाया है खुदा ने नहीं सोचा प्रभु यीशु ने स्वयं अपना सर ऊपर उठाया और कहा कहे खुदा तुम माफ कर दे इनको ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं अरे नादान इंसान तू आज संभल जा तू आज समझल जा क्योंकि खुदा का हृदय अभी दया से भरा हुआ है हृदय से भरा हुआ है और अगर आज नहीं संभला तो वही हसर होगा जैसे क्या नू के समय में होया था पूरा शहर तहस नहस हो गया था और मिट गया था अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ में खुदा के उस दया उस करुणा पर ईमान लाइए और उसकी कुर्बानी को याद कीजिए आइए दुआ करें सर्वशक्तिमान खुदा खुदा बनिएसु मसीह सारे जहान के मालिक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा दयालु करना सदैव बनी रहे ताकि इस जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो तेरी प्रार्थ तेरी तुझसे प्रार्थना होती रहे जब तू आए हम तमाम तैयार हों मसीह के नाम से आमीन